प्यारी सत्संग जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी का फतह। प्रबंधक सज्जना ने बड़े उत्साह और उमाह दे नाल एक प्रोग्राम उलीकिया। मेरे वीर जसपाल सिंह जी ने मैनू अमेरिका फोन करके पूछया कि MS ब्लॉक हरिनगर वाले प्रोग्राम मंगते ने, सो साड़ी कोई कंडीशन तो होंगी नहीं है। मैं हाँ की सी, पर मैनू याद है कि असी अज तो 24-25 साल पहला असी इस गुरुद्वारे 2-3 दिन लगातार प्रोग्राम किया। जिस तरह प्रबंधकों ने प्यार दिखा के सानू प्यार नाल इत्थे समा बख्शिया, मैं उम्मीद करदा कि साड़ी कौम दा इस तरह ही निगार हो सकता है कि जे इस तरह प्रबंधक सच दे प्रचार वास्ते उद्यम करन अते सानू उत्साह देन, ताकि संगतां विच होर बाणी दी लटक लग सके अते बाणी दी पढ़न दी होर जागृति आए, ताकि बाणी नाल साडे घरां दा साडा इंडिविजुअल दा जीवन संवर सके। सो आओ असी अज रल के एक श्लोक गायन करांगे, अते फिर असी उस श्लोक नूं अपने ते टुका के समझण दा जतन करांगे। आप जी सारे साडे नाल रल के गायन करोगे ते उस तो बाद असी उस दी विचार सांझ करांगे। फरीदा चल रा ना जागे ओए पिछल रा जागे होए चल रहा फरीदा पिछल रा चल रहा
जागे फरीदा पित चल रा ना जागे फरीदा 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 चल रा ना जागे पिछल रा ना जागे जीवंदड़ो चल रा परीदा पित चल रा ना जागे जेते रब विसारे आ जेते रब विसारे आ जेते रब विसारे विसरे ओए ता रब जेते रब विसारे जेते रब विसारे ता रब ना विसरे ओए ता रब ना विसरे ओए ता रब ना विसरे ओए ता रब ना विसरे चल रा फरीदा पित चल रा ना जागे जीवंदड़ो मोय
चल रहा ना जागे चल रहा ना जागे जेते रब विसारे जेते रब विसारे फरीदा जेते हाँ जेते रब विसारे रब न विसरियो ता रब न विसरियो जेते रब विसारे जेते रब विसारे ता रब न विसरियो ता रब न विसरियो ता रब चल बंदड़ो मोयो ए हाँ जीवंदड़ो मोयो ए पिछल रा पिछल रा पिछल रा पिछल रा ना जागे फरीदा जीवंदड़ो मोयो ए फरीदा पिछल रा ना जागे प्यारी सत्संग जी आप जी सारे बाणी पढ़ते हो असी जदों भी किसी शब्द या श्लोक की सांझ करते हाँ तो असी पहला बाणी की बणतर की सांझ टूक मात्र जरूर करते हाँ तो आप सब जानते हो कि ये फरीद जी का श्लोक है
गुरु ग्रंथ साहिब विच फरीद जी दे करीबन 130 श्लोक हन, जिहड़े के आखिर विच श्लोक शेख फरीद जी के नाम ते सिरलेख हेठां दर्ज हन। फरीद जी दे श्लोकां तो इलावा फरीद जी दे शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ दर्ज हन। जिस तरह कबीर जी दे कुछ शब्द दर्ज हैं, इस तरह कबीर जी दे भी 240-42 दे करीब श्लोकों का सैट आखिर विच सांच कीता गया है। जदों तुसी वारा पढ़ते हो तो वारा दे विच जिहड़े श्लोक होंदे ने वो वार दे सबजैक्ट दे नाल मिला के पढ़न दे नाल सानू वार दी ज़्यादा समझ आती है, पर अपने आप ही मजमून वार दी पौड़ी होंदी है। वारा दे अंदर मेन तत् समझण दी गल होंदी है पौड़ियाँ, पौड़ियाँ दे नाल वारा बनदियाँ ने। लेकिन वारा दे नाल जिहड़े श्लोक दर्ज नहीं किए गए उन्हां श्लोकां दा नाम रखा गया श्लोक वारा ते वधीक। इस तरह जिस तरह असी अज फरीद जी दे श्लोक पढ़ रहे हाँ, फरीद जी दे श्लोकां वांगू कबीर साहब दे श्लोकां वांगू श्लोक वारा ते वधीक भी गुरु ग्रंथ साहिब दे आखिर विच एक चैप्टर एक दा टॉपिक दा नाम रखा गया श्लोक वारा ते वधीक। वधीक मतलब जिहड़े श्लोक वारा विच नहीं हन पर उन्हें वधे हुए अवेलेबल हन, उन्हां श्लोकां नू उत्थे सैट किया गया। इतनी गल मैं आप जी नाल इस करके बेनती कीती है कि असी बहुत धन्नवादी हाँ गुरु साहब दे जिन्हां ने बाणी नू इतने ढंग नाल भगतां दी बाणी नू दूर दूर जा के एकत्र कीता गुरु नानक पातशाह ने, फिर उसनू पढ़िया कोख्या अते अपनी बाणी दे नाल उसनू टॉपिक बना के साडे वास्ते दर्ज कीता। साडे वास्ते दा मतलब सिर्फ सिखां वास्ते नहीं, सारी इंसानियत जात वास्ते पूरी दुनिया वास्ते दर्ज कीता। इतनी जड़ी मेहनत कीती गई असी समझदे हां कि वो मेहनत अल्टीमेटली गुरु नानक पातशाह दे सुजान ढंग नूं वरत के वेरी स्मार्ट टेक्नीक यूज्ड बाय गुरु नानक, उसी टेक्नीक दे मुताबक गुरु अर्जन पातशाह ने सानू बाणी कंपाइल करके दित्ती, बाणी दा संकलन कीता, बाणी दा पूरा सानू सैट तैयार करके दिता। हुण साडा अगे फर्ज बनता है कि असी बाणी समझिया करिए। समझण तो पहला पढ़नी पएगी, जदों असी पढ़िए और समझिए ना तो असी उसका लाहा प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन्हां दी कीती मेहनत वो मेहनत जाया नहीं जा रही है, पर उन्हां दी कीती मेहनत दा मैं फायदा नहीं चुक पा रहा। हुण असी अपने टॉपिक ते अग्गे वधण तो पहला इस दे लफ्जी अर्थ कर लेंदे हां। लफ्जी अर्थ ये मन्ने जांदे ने जो असी बाणी पढ़द्या पढ़द्या आपे समझदे रहिंदे हां, या जो सानू टीके विच या ट्रांसलेशन्स विच मिलदे ने, वो है फरीदा पिछल रात ना जाग्यो, तू पिछली रात जागिया नहीं। यही असी समझदे हां, पिछल रात दा कईयां ने नाम रख्या है, तू राती 3 बजे जागया नहीं, या 2 बजे जागया नहीं, या 1 बजे जागया नहीं, या कईयां ने कहा 4 बजे जागया नहीं, उन्होंने इहदा नाम पिछल रात रख्या है, पिछल रात ना जागियो है। जीव अंदरों मोयो है, तू इंज है जिस तरह जी रहा सी पर मरिया होया, पर तू जी नहीं रहा। असी तो सारे समझ रहे हैं कि असी जिंदे हाँ, असी ये भी समझ रहे हैं कि साढ़े सामने कोविड दे करके कितने साढ़े सज्जन मित्र देखद्या देखद्या कितनिया खबरां, कितने लखां लोकी, कितने मेरे जान पछाण वाले आस पास वो मर गए, मैं तो जिंदा हाँ। गुरु साहब की बाणी कह रही है जीवंदड़ो मोयोए, तो असी खुद रोज़ पढ़द आखा जीवा
ते अगे नाल पढ़ते हैं विसरै मर जाऊं, मैनू विसरिया होया और मैं मरिया भी नहीं। इहदा मतलब सानू कुछ समझण च कसर है कि फिर वह मोयो की होंदा, विसरै मर जाऊं की होंदा, मैं तो जिंदा, मेरी इंश्योरेंस होई हुई है, डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ पकड़ के क्या तुमको अब कोविड कोई नहीं है, तुम्हारे को ऑक्सीजन पूरी आ रही है, हम तो जिंदे हैं, हम तो ठीक ठाक घर में रहते हैं, हमको तो कोई कोविड नहीं, हम तो मरे ही नहीं, तो विसरे मर जाऊं मैं तो नहीं होया, मैं विसरदा भी है, मैं मरिया भी कोई नहीं हाँ, क्योंकि मैं मरिया दा मैं ना शरीरक समझदा हाँ, शरीरक समझदा सी। इस करके साफ साफ समझ आ रहा है, मैनू गुरु साहब की गल समझ आई कोई नहीं है, बिकॉज आई बिलीव आई एम अलाइव। आई हैव हर्ड द न्यूज़ कि इन्ने लखां लोग मर गए, इतने लखां लोगों को क्रीमेशन वेले संस्कार करने की जगह नहीं मिली, असी तो ठीक ठाक हाँ, असी तो कोई नहीं मरे, फिर गुरु साहब तुसी किनू मरिया कहंदे हो? गुरु साहब कहंदे ने नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। अजी भुपिंदर सिंह जी, जिस वेले तुसी रब जी नू सच नू आइडियल्स नू चंगे गुणा नू विसारदे हो ना, तुसी उसी वेले मर जांदे हो, ऑक्सीजन लैवल तुहाडा ठीक हुंदा है, पर गुरु रूपी ऑक्सीजन नू की कहंदे ने? गुरु रूपी ऑक्सीजन नू पवन गुरु कहंदे ने। रोज़ जपजी च पढ़दे हां, गुरु रूपी ऑक्सीजन दा सिलेंडर मेरे घर है ही नहीं है, पर जे मैं समझा तो हर वेले गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मेरे कोल है, जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, जिथे जाओ सिलेंडर नाल है, ये बाणी जो जियो जाना है तिसंतर रवै नामा। अजी तुम्हारे साथ तो सिलेंडर यहाँ पे फिट है, तुम काहे को डर रहे हो? सिलेंडर इज विद यू, तुसी क्योंकि ता डर रहे हो, क्योंकि तुसी शरीरक डेथ तो डर रहे हो, तुसी शरीरक लेवल दिया गल्ला कर रहे हो। भुपिंदर सिंह जी, शरीरक तल दिया गल्ला नहीं करनिया, ता गल्ला गुरु साहब दी बोली दियाँ समझ आनगियाँ, और ज्यों ही समझ आनियाँ शुरू होंदियाँ ना, ता उन्हों की कहंदे ने सुनिया ते समझ आ गई, मन्या जे समझ ही नहीं आई सी तो मैं की मनना है, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत लै तेरी गति हो गई, यू विल बी फिक्स्ड अप फ्रॉम इनसाइड, तू अंदरों ठीक हो जाएगा। असी अंदरों नहीं ना ठीक, बाहरों डॉक्टर कहंदा ठीक हो, अंदर ते मेरे कोविड है ना। मैं ये लैंग्वेज ता वरत रहा क्योंकि जने खड़े नू इस गल दी समझ है, और असी सारे दे तो डरे भी हो और अपने आप नू जिंदा भी समझ रहे हैं। बाणी नू बाणी चों समझ समझ के असी अगे टुरना है। इस करके मैं बेनती कीती कि श्लोक वारा ते वधीक श्लोक कबीर जी दे, अते इना चों श्लोक शेख फरीद जी के लड़ीवारिक 130 श्लोकां चों असी संगत विच पिछले 6-7-8 सालां तों करीबन 50 श्लोक सांझ कर चुके होए हैं, लेकिन 15 अगस्त जिहड़ा पिछले साल बीत गया मैं इंडिया नहीं आ सकिया, ते असी इस श्लोक उत्ते सैमीनार कीता सी ऑनलाइन, पिछल रात न जागियो जीवन दड़ो मोए होए, और सैमीनार च असी होर खुल के काफ़ी समा लैके सांझ करदे हाँ। मैं धन्नवादी हाँ कि प्रबंधक सज्जना ने सानू 1.5 घंटा दिता, तो गुरुद्वारियां दे सिस्टम च घंटा या 1.5 घंटा ही होंदा है। साडे वेले जदों असी प्रोग्राम शुरू कीते सी तां प्रचलित सी कि रागी सिंह जी 1 घंटा ही करदे ने, और 55 मिनट तो बाद खत्म करना हुंदा है, उस तो बाद जे होर डिमांड होए ता फिर माया दी कीमत ज़्यादा हुंदी है। लेकिन जदों असी शुरू कीता
ਸਾਡਾ ਰਹਾਉ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਸਦਾ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਡਰ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੋਡ ਹੈ ਐਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਏ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੱਟਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਮਤ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1996-97 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹੋ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕੌੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਗੁਣ ਕੋਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ ਹਰਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹਰਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗੁਣ ਕੋਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗੱਲ ਸਿਹਤੀ ਲਾਇਕ ਔਗੁਣ ਕੋਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਰਗਿਵਸ ਯੂ ਰੱਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
रब तुहाडियां गलतियां नोट नहीं करता रहिंदा। सानू लगता है वह नोट करता रहिंदा क्योंकि मेरी आदत है मैं अपनी वोटी दियां गलतियां नोट करता रहिंदा, मेरी वोटी मेरियां गलतियां नोट करती रहिंदी है। इस तरह असीं सारिआं दी गलतियां नोट करते रहिंदे आं, बच्चे मम्मी पापा की गलती नोट करते रहिंदे ने, तुम भी तो ऐसे ही करते हो पापा, मम्मी आप भी तो कहते थे ऐसे करते हो, असीं नोट करते रहिंदे आं। असीं ऐसे वाला रब बनाया होया तो वह सज़ा भी दिंदा वाला बनाया होया। गुरबाणी का जो तक रब ही नहीं असी सीख्या, रब ही नहीं असी समझिया, गुरबाणी केड़ा रब समझा रही है सारी दुनिया नूं? सारी दुनिया विच कुदरत दा एक खरा सच्चा नियम चल रहा है, उन्हों द लॉज ऑफ नेचर कहिंदे ने। द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड, वो किसी नाल वितकरा नहीं करता है। बारिश आएगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब दे कोठियां ते आएगी, अमीर गरीब दे कोठे ते भी पएगी। जे धुप चढ़ेगी तो सारे वास्ते चढ़ेगी, ये नहीं है धुप गरीबा के कोठे ते नहीं आती, इंज नहीं है, क्योंकि बाणी अंदर समझाया कि रब की नज़र च अमीर गरीब कोई होंदा ही नहीं, रब अमीर गरीब पैदा ही नहीं करता। जो तक ये गल्लां असीं सिखांगे नहीं समझांगे नहीं सानू बाणी समझ नहीं आएगी। जे बाणी समझ नहीं आएगी, अपने किस्म का एक रब बनाया होया और उस रब के बारे असीं इस तरह कहिंदे रहिंदे आ, देखदा पिया ही इंज। ते जदों अपना माड़ा काम करना होवे तां कबूतर वांगू, जिस तरह बिल्ली नू देख के कबूतर अखां बंद कर लैंदा, उस वेले कोई नहीं देखता पिया। कैसी मतलब अपनी मर्जी दे नाल शट ऑन शट ऑफ, आपे ही रब नू हाजर नाजर कहिंदे आ और आपे ही कहिंदे गुरुद्वारे अंदर रब रहिंदा है। अच्छा जो गुरुद्वारे अंदर रब रहिंदा है तो गुरुद्वारे के अंदर प्रबंधक भाई साहब जी नूं ओए भाई ओए क्यों कहिंदे? बई गुरुद्वारे अंदर रब जी रहिंदे ने, डर के रहिए बई। भाई साहब जी नाल, सेवादार जी नाल, इत्थे सेवा करन वालिआं नाल मंदे बोल हो ही जांदे ने। इत्थे दे प्रबंधक नहीं करदे होणे, गल वक्खरी है, पर वर्ल्ड वाइड प्रबंधक बॉस भाई साहब जी छोटा जिहा नौकर, क्यों? रब जी नहीं इत्थे जी। ये गल हासो ही नहीं लगती है, लेकिन समझण वास्ते मैं पहले बड़ी पहला सांझ की सी कि बंदा स्कूटर चला रहा सी, स्कूटर चलांदा चलांदा उन्हें सज्जा हाथ दे दिता ताकि पिछले वाले नूं पता लग जाए मैं सज्जे मुड़ना है। अगे जा के वो सज्जे मुड़न की बजाए खब्बे मुड़ गया। ज्यों ही खब्बे मुड़िया कार नाल टक्कर हो गई। कार वाला कहिंदा तुसीं भाई साहब जी सज्जे पासे हाथ दिता सी तो सज्जे मुड़ना सी ना, मैं तुहाडे इधरों कार कढ रहा सी। कहिंदा मैं इंज हवा च इंज काटा भी तो मार दिता सी कि इत्थे नहीं मुड़ना, आपे ही रब है और काटा मार दो नहीं भी है। रब कैसे वाला असी बना के बैठे हुए हैं, जैसे वाला बना के बैठे हुए हैं वैसे वाला साडा किरदार बन गया है। इस करके असी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे। सुखमणि साहब तो बड़े आराम नाल चूम चूम के जल्दी जल्दी पढ़ लेंदे आ, दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक बिना दे दस वीर ले तो मुड़ा क्यों का करे। असी ही कहने ये असी क्योंकि मम्मी पापा बच्चे नूं कहंदे आ चॉकलेट ले दी है ना, टॉय ले दिया ना, ज़्यादा रोला नहीं पा नहीं तो ये भी छीन लेंगे, ऐसे ही मम्मी पापा ना असी। तो ऐसा ही अपने वाला सुभा रब जी ते थोपिया होया ना असी। जो रब जी ते ऐसे वाला सुभा थोपिया होया इस करके असी इसते ये अर्थ करते हैं, दस चीज़ा ले चुका है एक चीज़ नहीं मिली है तो तू उदे वास्ते जिद्दा करना है। तो रब एक भी ना दे दस वीर ले, जे दस भी तेरे कोल खोलेगा फिर ओयो मम्मी पापा वाला सुभा वाला रब बनाया ना। द वे वी थिंक वी इंपोज ऑन गॉड, द वे वी थिंक उस तरीके का रब असी बना के पेश किया है। बाणी असी पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, गा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जदों समझ आती जाती है ना तो फिर खेड बदल जाती है, तो पता की खेड बदल जाती है, साडा जीवन बदलना शुरू होता है। जे जीवन साडा नहीं बदलिया तो सानू निंदा करनी पसंद आती है, निंदा सुननी बहुत चंगी लगती है। जे साडा जीवन नहीं बनिया तो फिर असी दुनियावी हर किस्म के
ईरखा, नफरत, बैकबाइटिंग, इस तरीके के सारे काम करी जाते हैं। जो ये सारे काम करी जाते हैं ना, इन्हों का मतलब है मैं अंदरों खेड़े विच नहीं हाँ, मैं अंदरों विकास विच नहीं हाँ, मैं अंदरों दुखी हाँ। सो लफ्जी अर्थ कर रहा सी मैं, तो मैं किधरे होर टुर गया, मनुखीमा करना। लफ्जी अर्थ ने पिछल रात ना जागे जीवन दड़ो मोयो, जे तै रब विसारिया, जे तू रब नू विसारिया, रब ना विसरोए, रब तैनू देखदा पिया ही। ऐसे वाला सी रब बना के इस शब्द श्लोक दे अर्थ समझदे सी। पर हुण असी समझना है कि जे तै रब विसारिया तां रब ना विसरोए की हुंदा है। लेकिन पहला सानू पिछल रात ते समझना पेगा ना। बाणी दे मुताबक पिछल रात दा मतलब हुंदा, रात दा मतलब हुंदा रहण। रहण दा मतलब तुसी आपे बाणी पढ़नी है, आपे बाणी चों घर जाके अर्थ लभने ने। भुपिंदर सिंह कहिंदा नहीं, इस मुताबक नहीं, आप बाणी पढ़नी है, आप बाणी चों खोजना है। प्राणी तू आयो लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहण। सब मुकदी दा की मतलब हुंदा, रहण मतलब जिंदगी, नॉट ओनली नाइट, नॉट ओनली सो कॉल्ड रात। अमृत वेले उठदे हो मुबारक है, पर इंज नहीं है कि रब जी अमृत वेले खास तौर पर तैयार होकर आते हैं, बाकी उस तो बाद नहीं मिलते हैं। 24 घंटे रब जी होया, हर वेले कुदरत करके बसिया सोए। सो असी ज्यों ज्यों इस तरीके दे नाल सीखते जावांगे, समझते जावांगे, तो बाणी चो बाणी दे अर्थ लभांगे। पिछल रात का मतलब होंदा मेरी हुण तक दी बीती हुई जिंदगी। पिछल रात हुण तो पिछला बीतिया होया समा, जिस दिन मैं अपनी माँ दे पेट तो जन्म लैके पैदा होया सी, फर्ज़ करो मेरी आज उम्र 60-70-80 साल है जो भी है, ता जिस दिन मैं पैदा होया सी तां तो लैके आज तक जो मेरा समा बीतिया, उनू पूर्वले कर्म कहंदे ने। माँ दे पेट दे गर्भ चो जन्म लैण तो पहले दी कोई गल नहीं चल रही, पिछले 100 जन्म दी कोई गल नहीं चल रही। ये गल्लां सानू रिपीट करनिया पैंदियां, पर ज्यों ज्यों जितनी वारी असी रिपीट करदे आं सानू होर दृढ़ होवे और बाणी होर खोज के समझण दा लटक लगे साडे अंदर, हुब जागे। इस करके असी सांझ करदे आं। हो सकदा तुहाडे चों कईआं ने बड़ी वारी यूट्यूब ते टीवी ते प्रोग्राम देखिया, रोज़ सवेरे 11:30 एक ओंकार ते वी साडा प्रोग्राम दा टीवी ते चरोकणा आ रहा, टेपां चल रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अज दे प्रोग्राम अंदर एक भी सज्जण नूं भावें वर्ल्डवाइड यूट्यूब ते या जूम ते जा रहा वे, लेकिन एक भी बंदे नूं जे अज ये शौक चढ़ गया ना मैं गुरबाणी दा रब समझना है, तां फिर जाग पवेगा। सतगुर जागता है देओ, रब जी सोंदे नहीं ने, मैं सोंदा हाँ। असी सारी सृष्टि दा राजा किनू मनदे हाँ? सारी सृष्टि दा करता रब जी मनदे हाँ ना, तो सारी सृष्टि दा करता रब जी ने, तो सारी सृष्टि दे राजा रब जी ने, सौखा हो गया। अच्छा, जे सारी सृष्टि दा राजा रब जी ने, तो जदों असी सृष्टि दा मैना ऐ सारी दुनिया जितनी यूनीवर्स बनी हुई है, जे इहदा नाम असी सृष्टि रखिया, तो साढ़े सामने शब्द आएगा। शब्द साढ़े सामने आके कहेगा, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। फिर मैनू समझना पेगा सारी सृष्टि दा राजा रब जी या केड़ी सृष्टि ते केड़ा राजा, ता फिर ध्यान अपने वल पै जाएगा। मेरा मन मेरे तन दा राजा है,
मेरे अंदर जिहड़ी हर वेले सोचनी चलदी रहिंदी है, मैं अपने अंदर दा एक संसार बनाया होया है, मैं अपने अंदर दा एक जग बनाया होया है। हर किसी दा अपना एक दुनिया होंदी है, केड़ी दुनिया च गुआचिया होया कहंदे आ ना। इहदा मतलब असी जिस ख्यालां विच होंदे आ साडी ओह वाली दुनिया विच रहिंदे आ। अपने अंदर मेरे एक सृष्टि बनी हुई है, एक सृष्टि मैं वसाई हुई है, एक सृष्टि मैं अपनी क्रिएट कीती हुई है। उस सृष्टि दा राजा मेरा मन है, उहनू कहिंदे ने सगल सृष्टि को राजा दुखिया। जे सगल सृष्टि बार वड्डी होंदी तां असी की कह रहे आ, रब जी दुखी बैठे हुए ने। अच्छा जी रब जी दुखी बैठे हुए ने तो असी रब जी नू कह रहे हैं हर का नाम जप तो सुखिया, अपना नाम ले लो और सुखी हो जाओ। इहदा मतलब किसी होर नू कह रहे ने, वह होर कौन है? मेरा मन। साडा सारी बॉडी ते सब दा मन राज करता है। मम्मी बोल रही है बेटा दूध पी लो, बच्चा कहंदा मेरा मन नहीं कर रहा। बेटा घर की सब्जी खा लो, नहीं मेरा मन कर रहा है बाहर से गंदी बनी हुई होटल से मंगानी है। मेरा मन वो खाने को कर रहा है, तुम जो किया तोरी बना रहे हो नहीं खाना। मन राजा है, साडा मन नहीं मनता, साडा मन राजा है। ये गल पहला क्लियर कर लिए, मेरा मन मेरी बॉडी का राजा है, मेरा मन मेरी बॉडी का खसम है, मेरा मन मेरी बॉडी का मालक है, मेरा मन मेरी बॉडी का साईं है, मेरा मन मेरी बॉडी का साहिब है, मेरा मन मेरी बॉडी का कंत है। जे इंज बाणी पढ़नी शुरू की ना कि किदी गल चल रही है तो सारा ध्यान जिथे लफज आएंगे ना आप 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 उथे सारा आप, जदों मन बना के पढ़ना शुरू करांगे ना फिर खेड बदलनी शुरू हो जाएगी। सो जे असीं दुखी हाँ तो दुखी की निशानी है मैं क्रोध करांगा, दुखी की निशानी है मैं नफरत करांगा, दुखी की निशानी है मैं दूसरे नाल कंपेयर करांगा, दूसरे नूं देख देख के सड़ांगा। मेरी ये सारी मेरे दुखी होण दीआं निशानियां ने। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, तो दुखिया मैं हाँ क्यों? हर का नाम जपो तो सुखिया, मैं दुखी हाँ। मैं अपने पति नूं कह रही हाँ तुसी तुहाडे कोल स्कूटर भी नहीं है, लोगों ने कारां मकान बना ले तुहाडे नाल, मेरा मेरे कर्म पता नहीं किहड़े जिंदगी दे सड़ गए जो तुहाडे नाल विआह होया। पति पत्नी नूं कह रहा, पत्नी उहनूं कह रही है। ये लफज मैं बहुत वारी रिपीट किए ने, मैनूं खिमा करना, मैनूं एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे ने। अल्टीमेटली असी एक ध्यान किया, कित्थे ध्यान किया? मैं इत्थे प्रेजेंट नहीं हाँ, मेरी सुरत जेड़े पासे गई, जेड़े पासे मेरी सुरत गई ना, जिस दिन असी ये सेमिनार किया सी उस दिन उहदा नाम रखिया सी डिवाइन मकैनिजम ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर दी रूहानियत वाली काढ़त। वो की है? असी सारे मनुख नहीं हाँ, असी सारे शरीर नहीं हाँ, असी सारे पता की हाँ? मन करके सुरत हाँ। मेरी सुरत जेड़े पासे गई है, जिस बंदे दी सुरत नहीं है वो आज असी उन्हूं कहंदे आ वह बैड ते पए ने, बेसुरत पए ने। उन्हां दी बेटी बड़ी दूरों व्याह के वापस मम्मी नूं मिलन आई या पापा नूं या दादा दादी नूं मिलन आई, उन्हां नूं सुरत नहीं है, उन्हूं देख के पछाण नहीं सी पा रहे। साडे नाल कोई गल कह रहा है तो वह दोबारा कह रहा, जरा दोबारा सुनाई, मेरा ध्यान किधरे होर चला गया सी। ध्यान नू सुरत कहंदे ने, ध्यान किधरे होर चला गया सी। कोई बंदा मैनू मिलिया, मैं उन्हूं कहा तुहानू मैं मिलिया, मैं तुहानू सति श्री अकाल बुलाई, तुसी जवाब नहीं दिता। कहंदा कदों? मैं क्या दोपहर ही तुहानू बाज़ार जदों मैं तुहाडे अगों लंघ के गया। कहंदा हो अच्छा तुसी मेरे अगों लंघ के गए होवोगे, सति श्री अकाल बुलाई होएगी, पर मैं तुहानू देखिया नहीं। मैं क्या तुसी मैं देखिया, मेरे नाल आई कॉन्टैक्ट? कहंदा नहीं, मेरा
ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਏ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਲੇਵੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਕਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਰਿਚ ਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ? ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਲੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਏਕ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹਾਥਿਨ ਰਾ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਓ ਜਾਓ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਓ ਜਾਓ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ।
सो मेरी यह चतराई है, चतराई नाल मैं की कीता, सुरत नूं एबसेंट कीता। मैं देख के भी नहीं समझदा, मैं देख के भी नहीं समझदा अपनी पत्नी नूं दुखी करदा या अपनी सस नूं दुखी करदी हाँ, या मैं अपने पति नूं दुखी करदी हाँ, या मैं किसी नूं भी दुखी करदा हाँ। मैं देख के भी दूसरों का दुख नहीं समझता। जदों असी मायातारी हो गए, साड़ी सुरत गई, तो गुरु साहब कह रहे हैं एका सुरत जेते है जी सारे कोल। सुरत वाला जिहड़ा चिप है ना सारे दी बॉडी अंदर है वे, पर उस सुरत नूं जे यूज ना करो, सारे दे उत्ते एक नियम लागू हो रहा है, जिथे तेरी सुरत है ना तू उत्थे गया होया, यू आर नॉट प्रेजेंट हीयर। जदों सहुरे घर विच सस सामने बैठी है, सहुरा सामने बैठा है, पति रोटी मंग रहा है, नूं रोटी पका रही है, पर ध्यान इहदा पेके चला गया। पेके माड़े नहीं होंदे ने, पर ध्यान पेके चला गया। जो ध्यान पेके चला गया, फुलका सड़ गया, सब्जी देनी भुल गई है, अंदर लभ रहे हैं कुछ, या सोच रही है जल्दी खा लैन क्योंकि ध्यान मेरा पेके चला गया, इतने सारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना, तो फिर वो जा कहेगी फुलका और लैना है, क्यों भी जल्दी करो ना, जल्दी मुकाओ, क्योंकि ध्यान मेरा किधरे और चला गया। ध्यान जदों साडा किधरे होर चला जाता है, साडे कोल जिहड़ा मनुख बैठा है, असी उहदे वास्ते एबसेंट होंदे हाँ। सुरत भी होना, सुरत एबसेंट, बगैर सुरतों कोई ना की, कोई किसे जोगा नहीं। असी बिना सुरत दे जदों होए तां मर गए, एज इफ वी आर नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जदों कहिंदे बिरहा बिरहा आखे बिरहा तू सुल्तान नानक, जितन बिरहो ना विसरे, जितन बिरहो ना उपजे, सोतन जान मसान। असी डेड बॉडी हाँ, नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। सौखा रोज पढ़ रहे सी आसा महला पहला, आखा जियो विसरे मर जाऊं, है ना, विसरे मर जाऊं। ते मैं जिन्हां नूं पाठ करदिआं सुनिआ, वो पाठ करदे जा रहे सन, आखा जीवा विसरे, सामने तो कुत्ता आ गया, उन्होंने वट्टा चुका, विसरे मर जाओ, कुत्ते नूं वट्टा भी मारिया उन्होंने, पर वो पढ़ रहे सी आखा जीवा विसरे मर जाऊं। इस तरह एक्शंस, सुरत भी होना, कोई ना कि जे ही सुरत तेहा तिन राह, जिस पासे साड़ी सुरत होंदी है वैसे वाला राह असी अडोप्ट करते हाँ। सतसंग जी, मैं सिर्फ तुहाडे नाल बाणी की गल कर रहा, सिर्फ ते सिर्फ बाणी की गल कर रहा, मैं कोई तुहानू सूरज प्रकाश की साखियां नहीं सुना रहा, जिहदा नाम साखियां रख्या है, मैं तुहानू वो इतिहास नहीं सुना रहा, मैं गल जिहड़ी कर रहा वा वो गल मैं अपने वल्लों नहीं कर रहा, बाणी चो समझण दा जतन कर रहा। बाणी कह रही है जैसी जी जिस पासे सुरत होएगी वो उसी पासे जाएगा। कल मैं उतों लिविंग ट्रेजर दे ऑफिस तो लंघ रहा सी, तो उत्थे इन्ना सारा ट्रैफिक जैम भीड़, तो तिलक नगर क्रॉसिंग तो सज्जे पासे मुड़िया, तो मैं पूछया की होया, तो मैं पुछ कहिंदा वीर जी इत्थों नहीं जा सकते, नहीं लंघ सकते। मैं क्यों? इन्नी भीड़ है, वो इन्नी भीड़ सी जिवें शायद कोई मर गया, लेकिन पता लगा ये सारा ने भीड़ लाई हुई, लाइन लाई हुई है शराब की दुकान अगे, तो वो जरा जरा एक एक बंदे नूं अंदर जाण दे सी, पता नहीं मिले ना मिले, सुरत किधर गई हुई है शराब वल। जे ही सुरत तिहा तिन राह, सुरत विच शराब चल रही है, उसी राह ते जा रहे हैं, वो दुकान लभ गई, असी उस दुकान तो लभ्या, साड़ी सुरत शराब विच नहीं होएगी, तो फिर साड़ा उस दुकान ते इंट्रस्ट नहीं होएगा। मेरी सुरत सोने वाले ते है, तो मैं ध्यान रख रहा सोने की दुकान ते। सुरत किदी किथे होंदी है इहदे ते डिपेंड करता है। पति कह रहा पत्नी नूं फोन करके, सुन तैनूं पता मैं किथे खड़ा, कहिंदी हाँ, कहिंदा उस सुनियारे दुकान ते जिथे पिछले हफ्ते तू कहा सी ना कि मैनू ए वाला हार चाहिए, मैं उत्थे खड़ी, कहिंदी अच्छा फिर मैं आंदी हाँ, कहिंदा नहीं मैं उत्थे खड़ा, मैं पर्स भुल गया, तू अपना पर्स मैनू मेरा उत्थों कढ के इत्थे दे जा। लै, उहदी सुरत सुनियारे दे अंदर ही वड़ गई सी, सुनन सार
साड़ी जिस पासे सूरत होंदी है असी उधर जांदे हां, तो जे सूरत इत्थे प्रेजेंट नहीं है, इत्थे मैं मोया होया हाँ, ये बिल्कुल दुनिया की साइकोलॉजी है, सारी दुनिया वास्ते है, इस तरह साड़ा लेखा चलता है और उस लेखे मुताबक असी पल पल जमदे मरते हाँ। सो जदों असी जमदे मरदे हाँ, सुरत करके मैं एबसेंट हाँ, जदों मैं सुरत करके एबसेंट हाँ, इहनू कहिंदे ने नर अचेत, बेहोश हाँ, मैं होश च नहीं हाँ, मैं सुरत च नहीं हाँ। नर अचेत पाप ते डरे, मैनू ईवल्स दे बारे समझ ही नहीं आती, मैं क्यों डरा, मैं ईवल्स ते करदा हाँ, क्योंकि मैं चतराई विच हाँ, काहे जी करें चतराई। सो जदों असी ये गल्लां करदे हाँ, तो असी सही मायने च गुरमत वालों जिहड़ा रब समझाया गया सी उह ते समझिया नहीं, उह ते असी असमान ते एक रब बना लिया, या कोई तीर्था ते धार्मिक स्थान ते बना लिया, उहदे बारे अवतार वालियां कहानियां स्टोरियां सुन लईआं, उह कदे दर्शन दिंदा इस तरह समझ लिया, तो जेड़े वो दर्शन किसी नूं देंदा उन्हूं जैसी फोटो समझ आई सी वैसी गले विच लटका ली, गल मैं पाहन लै लटकावै, घर मैं ठाकुर नदर ना आवै, अंदर वाला रब समझ नहीं आया, अंदर वाला रब समझ नहीं आया, एक रब तसव्वुर कर लिया, पर कुदरत दा जिहड़ा खरा सच्चा नियम सारी दुनिया ते चल रहा है उसनूं रोज़ पढ़दियां, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, एट प्रेजेंट एवरीवेयर, हर वेले वाचे, वाचे का मतलब क्या होता है भाई, अंदर से तुम जैसा सोच रहे हो ना, जैसा सोच रहे हो ना, उसको कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता लगा, लेकिन अंदर तेरे कैमरा लगा हुआ है, अंदर तेरे त्रकड़ी बैलेंस लगी हुई है, जैसा तू सोचता है, जे तू मंदे ख्याल सोचता है, तू नेगेटिव थॉट्स दे नाल इंडल्ज होता है, ता तू अपसेट होएगा, ता तू दुखी होएगा, ता तेरी त्यूड़ी मत्था कुटिया जाएगा, ता तेरिया अखा दी देखण दी दृष्टि बदल जाएगी, ता तेरे सारे आस्ता आस्ता अंग ने ना सौ जाणगे, क्योंकि तू बेहोश हो गया है, नैनों नींद पर दृष्ट विकार, नैनों नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोप मीठे साद, मन सोया माया बिस्माद, मन सोया माया इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्तु वो अपनी रहे। यदा मतलब असी जाग नहीं रहे, असी अचेत हाँ, असी सुरत करके बेहोश हाँ, नर अचेत हाँ, जे अचेत हाँ बेहोश हाँ, ता ऐ गुरमत ने मेरी नबज़ पकड़ के समझ लिया, भुपिंदर सिंह जी तुसी जे अचेत हो बेहोश हो, तुहाडी सुरत गायब है, ता इत्थे नबज़ चल रही है, ऑक्सीजन पूरी 90 प्लस है, 96 किन्नी किन्नी कोविड कहिंदे सी कटे 95 तो उपर है, तुहाडी ऑक्सीजन भी नबज़ भी चल रही है, पर सुरत करके तुसी गायब हो, ता इहदा मतलब निशानी पता की है, तुहाडे अंदर कोविड दे बदले नैगेटिव थॉट्स दा, मंदे ख्यालां दा वायरस वड़ चुका होया है, नबज़ चल रही है, टैंपरेचर भी ठीक है, खंघ भी नहीं आ रही, बलगम भी नहीं आ रही, बट भुपिंदर सिंह जी
यू आर एबसेंट, यू आर डेड। सुरत करके तुसी मरे हुए हो, सुरत करके तुसी सुत्ते हुए हो, क्योंकि तुहाडा मन मर गया है, क्योंकि तुहाडा मन सुत्ता होया है, तुहाडा मन सुरत करके एबसेंट है। असी इस नूं समझण वास्ते इंज बनाया सी, यह मेरे हाथ नूं समझ लो, यह सारा मेरा घर है, यह मेरे अंदर का सारा घर है, इस घर का मालक साई साहेब चौधरी राजा मेरा अंगूठा मन है। ये मन की जिस पासे सुरत होएगी ना, वैसी यदि मत बनेगी, वैसी यदि बुद्धि बनेगी, वैसी यदि अंदर की जी अकल सुरत मत मुद बन के जी बनेगी ना, उन्हों कामण कहते हैं, घर की नार कहते हैं। हर इंसान की स्त्री की भी मर्द की भी छोटा व्डा जो मर्जी हो, हर किसी के अंदर जी इतने मत होंगी ना, उन्होंने घर की नार कहें, उन्होंने मत कहें, वह भैड़ी बन गई है तेरी, वो अंदर वायरस चला गया। क्यों? क्योंकि तू ध्यान नहीं किया। क्यों? क्योंकि तू सुता है। जदों ध्यान नहीं किया सतसंग जी, मैं बहुत सिंपल, बहुत बारीकी दे नाल, बहुत कॉमन मैन की लैंग्वेज यह कोशिश कर रहा, जदों असी अचेत हाँ, जदों असी सुरत करके एबसेंट हाँ, तो निशानी पता की लभी? भुपिंदर सिंह जी, तुसी नैगेटिव सोचते हो, भुपिंदर सिंह जी तुसी ईरखा करते हो, भुपिंदर सिंह जी तुसी वितकरा करते हो, भुपिंदर सिंह जी तुहाडी नबज़ पकड़ के पता चल रहा है कि तुसी तेर मेर करते हो, तुसी बैरी बिगाना करते हो, तुसी कुड़ियार हो, भुपिंदर सिंह नूं कह रहे ने। कौन? डॉक्टर मेरा वैद गुरु गोबिंद। मैं उहदे कोल गया, उन्हें मेरी नबज़ पकड़ ली, गुरु ने पकड़ ली। इहदा मतलब गुरु पकड़ के मैनू डायग्नोज करदा है। जे मैं डायग्नोज कराना ही नहीं चाहता, मैं आवांगा मत्था टेक के चला जाऊँगा, रुमाला चढ़ा के चला जाऊँगा, पैसे मत्था टेक देंगा, सब कुछ करा लाँगा, दुनिया पड़दा सब कुछ कर लाँगा, पर मैं नबज़ ही नहीं फड़ावांगा, मैं पल्ले तेंडे लागी करांगा ही नहीं। मैनू हब्बे साग कुड़ावे डिठे दे बदले सारे साग पसंद आवे, मंदे ख्याल साग होंदे ने, संबंधी होंदे ने, वह मैनू पसंद आए ने, मैं उन्होंने पल्ले बन्या होया, तुहाडे पल्ले मैं नहीं लगना, तुसी नबज़ पकड़ लोगे मेरी, एकदम पता लग जाएगा। ईरखा करना है अंदरों, साड़ा करना है अंदरों, नैगेटिव थॉट्स रखता, तेरा एटीट्यूड नैगेटिव है, सीधा छोड़ अपूठा बंद ना करना है। अमृत कौड़ा बिख्या मिठी साकत की बिद नैनो डिठी, साकत की बिद दे नाल जींदा है, मंदे ख्याल नाल जीना है। अमृत कौड़ा बिख्या मिठी, जहर तैनू चंगा लगता है, जहर खाओ तुसी वेले मर जांदे ने। आत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, मरते तू उसी वेले गया। गल्लां कुछ नहीं होंदा, गल्लां उपर तपावस ना होई, विस खादी तत्काल मर जाए, उसी वेले मर जाते। हाँ, इहदा मतलब हुण असी अपने बारे समझ रहे हाँ, असी इत्थे कोई गुरु जी नूं मनान नहीं आया, असी कोई इत्थे रब जी नूं खुश करन नहीं आया, असी अपने वास्ते समझण आए हाँ, असी अपनी पड़चोल अपनी इंट्रोस्पेक्शन करन वास्ते आए हाँ। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गिरवान मैं सिरनीवा कर वेख, असी गुरु साहब तुहाडे कोल आए हाँ, मैनू ना मेरी गिरवान इच झाकण दी अकल दिओ, काइंडली गिव मी थर्ड आई, जिस अख दे नाल मैं अपना अवगुण लभ सकां। असी दूजे दे अवगुण लभदे रह गए, दूजे दे अवगुण लभदे ना ऑलवेज, सानू दूजे ही डिंगे टेढ़े टुरदे नज़र आते ने, मेरा की बनिया वो पता ही नहीं लगता। मैं तो सीधा ही हाँ, मैं तो शरीफ आदमी हाँ, मैं तो बहुत सफेद पोश हाँ, हर किसी ने ही भुलेखा है ना, भावें असी स्टेज पर बोलते हैं सानू वही भुलेखा होंगे, मैं तुहानू लैक्चर दे रहा मन तो सारी समझ आई है, नहीं असी भी सीख रहे हाँ। सो कदों साढ़े अंदर वायरस वड़दा है? जदों असी सुते हुए हाँ, ठीक है, सुते हुए नू ऊंग आ जाए, सुते हुए नू अखां च नींदर आ जाए, इस तरह सोन लगा, बार बार अखां बंद कर रहा, मैं गल तैनू सुना रहा, इंज कर रहा, ऊंग रहा, इहनू इहनू की कहिंदे ने गुरबाणी च, की कहिंदे ने, जिन्ना नैण नींद्रावले, जिन्ना नैण
नींद्रावले तिन्ना मिलन हुआओ तिन्ना मिलन हुआओ नैन नींद्रावले परीदा रात कथूरी वंडिये रात कथूरी वंडिये सुते आ मिलन न पाओ सुते आ मिलन जिन्ना नैन नींद्रावले जिन्ना नैन नींद्रावले तिन्ना मिलन हुआओ ननु किवें मिल सकदा है दे कैन नॉट हैव वननेस विद गॉड जिन्हां दे नैण नींद्रावले ने जिहड़े सुते होए ने जिहड़े इन्हां अखां करके राती 10 बजे इंज बंद करके सो गए सी सवेरे भावें 3 बजे उठणे 4 बजे उठणे 5 बजे उठे 6 बजे 7 बजे 8 बजे जदों मर्जी अखां खोल भी लईआं तां वी 24 घंटे सारी उम्र सुते ने ना ये उस नींद्रावले नैणा दी गल चल रही है उस जिंदगी नूं रात कहिंदे ने उस नूं कहिंदे ने पिछल रात उस नूं कहिंदे ने मेरे पूर्व जन्म उस नूं कहिंदे ने मेरा पूर्वला कर्म मैं पिछल रात विच नींद्रावले नैणा वाला हाँ मनू चंगे गुणा वाले रब जी नाल इकमिकता प्राप्त हो ही नहीं सकती है इहदा मतलब सारी गल हुण मेरी चल रही है क्योंकि ये गल्लां जदों असीं रिपीट करदे हां तां मैनूं याद आई कंट्री च मैं सैमीनार 5 घंटे दा कीता सी मिठ बोलणा जी मिठा बोलना चाहिए ते एक बीबी जी ने आके मैनूं कहा तुहाडा 5 घंटे सैमीनार सुनिया बहुत अच्छे एग्जाम्पल दित्ते मिठा बोलण बारे पर मैं उधर ही देखती रही काश मेरी सस और मेरा पति आ जाते वो अच्छ सुन लेंदे मैं कहा तुहाडी बस 5 घंटे मिस ही रही क्योंकि तुसीं यही सोचते रहे वो सुन लेंदे ऐ सात संगत जी यही है खेड समझनी है ये गल समझन वास्ते बाणी सानू सिखा रही है जीवन जाच बाणी सानू सिखा रही है आप सवारे मैं मिले मैं सोच रहा मैं वोटी नू सवारना मैं पति नू सवारना मैं बच्चे सवारने ने असी लोकां नू सवारना आप सवारे दैन मैं मिले मैं मिलिया सुख होए पर तू दुखी है तू सगल सिसको राजा दुखी है ना मैं मान लिया यस आई एम दुखी यस मनु नफरत ईरखा आदत है यस आई कंपेयर यस आई डू नफरत यस आई डू कंपेरिजन्स है ना करदे हां ना कंपेयर दूजे नाल कंपेयर करदे हां फलाने दा पति फलाने दी पत्नी फलाने दी नूं फलाने दा पुत्तर फलाने दा बच्चा इस तरीके नाल अपने बच्चन का देख उन्हां दा बच्चा किन्ना सियाणा तू ते पढ़दा ही नहीं ये वो सब कुछ करदे हां ना सारी गल्लां ए वालियां करदे हाँ असी सगल सिष्ट को राजा दुखिया हाँ मास्क बन लिया घर अंदर बह गए दीवारा बंद कर लिया ऑक्सीजन ला ली ये नाल सुखी नहीं होए क्योंकि सानू डर लगा होया असी पिड़ बन्नी हुई है 100 सालां दे जीण दी लालसा दी इसी करके सानू डर ही पै गया हाय मैनू कोविड ना हो जाए तैनू भावें हो जाए पापा जी तुहानू भावें हो जाए हाय मैं तुहाडी डेड बॉडी नू हाथ लाणा तुहाडे कमरे च नहीं आना मेरे सामने बैठा वीर अमन ये कहिंदा लंडन तो कॉल आई आपका नाम अमन सिंह है आप लिविंग ट्रेजर में सेवा करते हैं क्या हाँ कहिंदा काम की है कहिंदा दिल्ली अंदर फलानी जगह मेरे पापा जी नू कोविड हो गया घर मम्मी तो है ही नहीं ने पर मेरा भरा भरजाई दोवें पापा जी कोल नहीं जा रहे ने वो अपने कमरे अंदर छुप के बैठे हुए ने मैं लंडन तो तुहानू कॉल कर रहा सुनया कि आप कोरोना वाले को हॉस्पिटल लेके जाते हो आप कोरोना की डेड बॉडी उठाने जाते हो जाओगे इन्हें कहा हाँ जाओगे ये गया ये अंदर वड़ गया उना दे भरा भरजाई दूजे कमरे च ही रहे क्यों हम तो 100 साल जियेंगे ना
पापा जी तुसी जाओ, मम्मी जी तुसी जाओ, असी तो तुहाडे नेड़े ही नहीं आना, हाय सानू कोविड ना हो जाए, है ना। सारियां गल्लां तुसी सब ने सुनिया, सब ने खबरां सुनिया, पर पैदा की होया डर। नैण निंद्रावले ने तू डरदा भी है, शरीरक तल ते हाय मैं मर ना जावां, क्यों? क्योंकि तू पटे लिखा के आया कि असी तो 100 साल से जीना ही है, मैं इंश्योरेंस कराई हुई है, मैं वाइटमिन खाँदा वा, मैं अनुलोम विलोम करता ही हाँ, मैं सैर भी करता, मैं सब कुछ करता, मैं तो सारिया ताकत वाली चीज़ा भी खाँदा वा। कई मनु कह के भी तू होर ताकत वाली चीज़ मैं होर भी खाँगा, प्रोटीन भी बड़ी खाँदा वा, मैं बहुत फिट रखे अपने, मैं 100 साल जीना है। पर मनु किसी की सेवा करन वेले और यह सारे काम करन वेले कोविड तो इन्ना डर लग गया, मैं तो बिल्कुल अपने मम्मी पापा की सेवा करन नूं तैयार नहीं। इसी तरीके दे नाल साडा बच्चा कह रहा है मनु काम ते जाना है, मम्मी जी आप बीमार हो या दादी बीमार है, तुम देखो मेरे को काम पर जाना है, यही है ना। क्यों? क्योंकि हम तो काम करेंगे, हम तो काम के लिए पैदा हुए हैं, हम तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए पैदा हुए हैं, हम तुम्हारे लिए थोड़ा ना पैदा हुए हैं। अब पढ़ा लिखा के बढ़ा के इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, अब हमने काम पर नहीं जाना। टू हेल विद दिस ऑल, हाउस चोर्स दे सारे कम्मा दी जिम्मेवारी मेरे सिर ना पाओ, मैं ते काम ते जाना। इंच करते 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 असी सारे ना निंद्रावले नैणा च, जिन्ना नैण निंद्रावले तिन्ना मिलन कुआओ। हुण साडे वास्ते ना एक होर चैक दिता गुरु साहब ने, बई अपने आप नू चैक कर, फरीदा रात कथूरी बनती है, कथूरी होंगे कस्तूरी, कस्तूरी होंगी है हिरन के अंदर, हिरन के अंदर कस्तूरी प्रतीक है धार्मिक दुनिया विच के खुशबू होंगी है। इहदा मतलब जिंदगी विच तैनू हर वेले जिथे जाए बइए भला कहिए तैनू चंगे चंगे गुणा की खुशबू मिल रही है, चंगे चंगे गुणा की अकल मिल रही है, पर तू चंगे गुणा की अकल लैंदा नहीं, चंगे गुणा की अकल वरताई जा रही है, उन्हूं गुरप्रसाद कहिंदे ने, तू लैंदा नहीं, चंगे गुणा की अकल दे दो, चंगे गुणा नूं वरतो ना, उहदे नाल खुशबू आउंदी है, चंगे गुणा नूं खुशबू कहिंदे ने। फरीदा रात मतलब जिंदगी रूपी रात विच हर वेले कथूरी वंडी जा रही है, तू लैंदा नहीं। कोई दुनियावी तौर पर जदों असी किसी नूं मिलन जाते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नूं मिलन जाता है, उस दिन परफ्यूम लगा के जाते हैं ना, खुशबू आवे मिलांगे, है ना। इहदा मतलब खुशबू मिलाप करांदी है, ते तेरे वास्ते कथूरी वंडी जा रही है, फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुत्या मिले ना पाओ। तू कमें सच्चे दिल विश्वास भावना का बस भाव होना चाहिए, इतनी गल नहीं बनती, तू गुण लेने ने गुणा की खुशबू होनी चाहिए है, भावें तू पति बन भावें तू नूं बन के किसी के घर जाके पत्नी बन, तेरे गुणा की खुशबू होनी चाहिए है। बारली परफ्यूम नाल कुछ नहीं होएगा, वो बारली परफ्यूम का डब्बा चुक के तू दाज इतना ले जाई, तू अपने पिता जी कहीं हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जी सवर है मेरा काजो, मनु ग्लिटर स्टफ नहीं चाहिए, मनु सुमत बख्शो खुशबू मिले मेरे जीवन चाहे। फरीदा रात कथूरी वंडी है, खुशबू वंडी जा रही है, इहदा मतलब जदों मेरे नैण निंद्रावले होए मैं सुत्ता हाँ, मेरे सारे अंग सुते हुए ने, जदों सारे अंग सुते ने तां इहनूं कहिंदे ने पिछल रात ना जागे होए। तू जाग नहीं रहा, हुण तक दी बीती लाइफ बारे कुछ नहीं सोच रहा, वेयर आई एम मिस्टेकन, मैं कैसे गलत हूँ, मैं कैसे अपना नेगेटिव एटीट्यूड बनाया, मेरा सुभाग किस तरह बिगड़िया है। अपने नेगेटिव एटीट्यूड के सुभाग अंदर रहन नूं ना असी कंफर्ट जोन समझते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर रह के ना फिर असी कहते धर्म कर्म की बात करनी है, भगवान की बात करनी है, तो लो हम धर्म कर्म कर देंगे, माला फेर देंगे, पाठ कर देंगे, सुबह उठ जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, धार्मिक स्थान पर चले जाएंगे, एक टांग पर खड़े हो जाएंगे, चौकड़ी मार लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, जितनी 4 घंटे को हम सारी रात सिमरन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, धर्म स्थान पर धार्मिक कर्मकांड घर बैठ के भी कर्मकांड कर लेंगे, सारा पाखंड कर लेंगे, पर मैं चेंज नहीं जी होना। जे मैं चेंज नहीं होना तो सारा तू करदा क्यों है, क्योंकि तू अपने नैगेटिव थॉट्स दे अपने करैक्टर दे अंदर रह के तू उन्हूं कंफर्ट जोन समझदा है, कंफर्ट जोन वाला दूजियां दे काम नहीं आंदा,
कंफर्ट जोन वाला रियल सेंस इज चैरिटी नहीं कर सकता। कंफर्ट जोन वाला विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसण पाइए वाला जीवन नहीं जी सकता। सो असी धर्म नू भी अपना कंफर्ट जोन बनाया होया कि बई धर्म कर बारों बारों असी कर लवांगे ते असी सही मायने विच संवरना बदलना चाहते नहीं हाँ। एक कंट्री विच मैनू फोन आया सी, सुनया जी आज अमृत संचार हो रहा। मैं क्या हाँ बड़ी पुरानी गल है। तो फिर वो अमृत संचार इच जी उत्थे कंगा मिलेगा, मैं क्या हाँ किरपान भी मिलेगी, मैं क्या हाँ, तो बाकी सारे सारे पंजो कक्के मिलनगे, मैं क्या हाँ। तो कहिंदे सुनया कि भी जदों अमृत छको तो फिर वैक्सीन नहीं कर सकते। मैं क्या हाँ जी, कहिंदे नहीं मैं तो वैक्सीन करती हाँ। सुनया आईब्रो नहीं कट सकते ने पर मैं तो करती हाँ। मैं क्या तुसी छकना है, कहिंदे हाँ। मैं क्या तो फिर कहिंदे पर इन्ने वाला भी नहीं छक लेना कि भई भई पूरे ही सीधे राह पै जाइए। मतलब असी सुते हाँ धर्म नू भी कंफर्ट जोन बना के जी रहे हैं। मेरी हैबिट मैं बिल्कुल नहीं बदलनी है, मेरे नैण निंद्रावले ने। जदों मैं इस अवस्था विच आना, भावें मैं अज 60 साल दा, इहनू मेरी जिंदगी दा पहला पहर कहंदे ने। मेरा ना समा हो गया, मैनू कोई काल नहीं है कि मैं अपना टॉपिक खत्म करना है। पर जिंदगी दा पिछल पैर, अगला पैर, दूजा पैर, तीजा पैर, चौथा पैर, ये पैर सानू ना तां समझ आणगे जे असी अपने ते टुका टुका के समझांगे। जदों मैं अचेत हाँ, जदों मैं निंद्रावले नैणा वाला हाँ, यह मेरी जिंदगी दा पहला पैर है। घड़ी दे मुताबक राती 12 बजे 1 बजे वाला नहीं। अच्छा है, मेरी जिंदगी दा पहला पैर है ना। दूजा पहर जदों शुरू होंदा ना तो पता की होंदा, पहले पहर दे कारण दूजा पहर पता की होंदा, डुअलिटी दुबिधा। दुबिधा डुअलिटी नू कहंदे ने। डुअलिटी का मतलब होंदा इधर जावां इधर जावां, अल्टीमेटली कन्फ्यूज। मैं गल अपनी करांगा, मर्जी अपनी मनवावांगा, तो जो मैं कह रहा मेरी ही मर्जी मननी चाहिए है। पर मैं अपनी गल करन तो बाद तुहानू कहांगा पता नहीं, समझ नहीं आ रही, आई डू नॉट अंडरस्टैंड भी मतलब तुस चाहते की हो। अल्टीमेटली जो मैं चाहता जो मैं चाहती हाँ वो करो। दुबदा है, डुअलिटी है, सीधा राह मैं अपनाना है नहीं है। जदों पहला पहर मेरा वापरिया निंद्रावले नैणा दा तां उहदे कारण मेरे अंदर की आ गई दुबदा डुअलिटी। मन की दुबदा बिनस जाए तो सुखी हो सकते हैं, पर मन की दुबदा है। दुबदा विच असी डुअलिटी रेंद्द, यह साड़ी जिंदगी दा दूजा पहर हुंदा है। जेड़ा दूजा पहर हुंदा है ना, इस दूजे पहर दे कारण पता है साड़े अंदर की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। साड़े अंदर लोभ रत पैदा होनी शुरू होती है। लोभ रत, ग्रीड, लभ ते लोभ। लोभ साडे कोलों कामना कराएगा जिन्हों काम कहिंदे ने, लोभ साडे कोलों क्रोध कराएगा, लोभ सारी गेम चलाएगा। सो अज दे टॉपिक च एक नवी चीज़ आ गई जिहड़ी कि मैं पहला सोची नहीं सी, लेकिन ये मनू पहरे जो बाणी चो समझ आ रहे ने। हुण कल असी ये वाले तुहाडे नाल पहरे वाला पूरा शब्द डिस्कस करांगे जिथों मैनू ये गल समझ आई। पहला मेरे निंद्रावले नैणा दा, दूजा मेरे अंदर डुअलिटी दुबदा आ गई। जदों भी मेरे सामने क्रॉस रोड ते आवे, ठीक बनना है कि गलत बनना है, सही बिहेव करना है या गलत करना है, तो मैं चूज़ गलत नू ही करदा वा। वी ऑलवेज चूज़ ईवल, वी ऑलवेज चूज़ वाइसिस, वी ऑलवेज चूज़ कि मैं मंदे वाला ही कर रहा है। जा रज खाइए जा मूँह कज सोइए, जदों कह दो ना कभी पति या पत्नी नू, किसी नू कह दो तू बड़ा बोलनी है, अच्छा फिर जाओ मैं बोलती नहीं, या तो फिर बोल ही जाना है, नहीं तो फिर बिल्कुल बोलना ही नहीं है, है ना। जा रज खाइए जा मूँह कज सोइए। इस तरीके दे नाल असी जदों तीजे पहर विच आंदे हाँ, साडे अंदर सब तो बड़ा गलत एक वायरस वड़ जांदा है जिन्हों लोभ रत कहिंदे ने।
लोभ रत वाला लोभी होंदा, ग्रीडी होंदा। लोभ रत दे कारण असी 100 साल तक जीना चाहते हैं, लोभ रत दे कारण ही सानू शरीरक डर लगा होया, लोभ रत दे कारण ही वो डराना चाहते सी सानू, असी सारे डर गए, हुण ऐ वेरियंट आ गया, हुण वह कोविड हो गया, हुण वह कोविड हो गया, हुण ऐ आ गया, हुण वह हो गया, हुण ऐ आ जाएगा, हुण वह हो जाएगा, हुण इंज कर लो, हुण उंज कर लो। जितना डराना सी उन्ने असी पूरी तरह डर चुके हैं सारे। हूँ किसी भी ऑफिस अंदर पब्लिक अंदर कोई निच मारे, नक जुकाम करे तो उन्होंने इंज देखते जिस तरह कोई पता नहीं, सारे असी इंज कर रहे हैं ना। पहला भी निछा आती सी, पहला भी जुकाम होंदे सन, पहला भी गले च बलगम आ जाते, पहला भी खांग लग जाते, लेकिन नहीं, हूँ साडे सब की सोच नहीं बदल गई है। नाउ वी ऑल आर स्केयर्ड, लोभ रत साडे अंदर वड़ गई है। तो जिन्हें अंदर लोभ रत वड़ जाती है ना, उन्हों का चौथा पैर पता की हो जाता, सारी जिंदगी ऊंग रही है, सारी उम्र नींदर ही रेंदे ने। वो जो नींदर ही रेंदे ने, उन्होंने नैनो नींद परदृश विकार कहते हैं, उस अवस्था कहते हैं सोए रही प्रभ खबर ना जानी, मैं समझी नहीं। सो असी जिंदगी भर सौंदे रेंदे हैं, उन्हों पिछल रात कहते हैं। जे अवेयरनैस आ जाए उन्हों अवेकनिंग कहते हैं, जे जाग पईए उन्हों सवेर कहते हैं, जे जाग पई उन्हों प्रभात कहते हैं, जे जाग पईए जब जागो तब सवेरा कहते हैं। ना देखने की तरह हमने जिंदगी को देखा, जब अंधेरा होने लगा तो जिंदगी को देखा, फायदा क्या होया है ना, सारी उम्र ही बीत गई। उस तो बाद देखे, देखण दा नजरिया ही साडा बदलिया होया है। सो हुण एक गल साडी इत्थे तक पहुँची कि शरीरक तल ते लै लईए निक्की जी गल करके, इहनूं मैं कल रीकैप करांगा। माँ दे पेट दे अंदर बच्चा हमेशा सुत्ता रहिंदा आराम दे नाल, उत्थे उहनूं कोई काम नहीं करना पैंदा, उत्थे करके ऑक्सीजन मंगनी नहीं पैंदी, कुछ भी नहीं करना पैंदा, कोई हाथ पैर नहीं लाने पैंदे, आपे भोजन मिलता रहिंदा, आपे ऑक्सीजन आती रहिंदी है, आपे सैल्स ऑक्सीजन दे साडे अंदर भोजन मिलता रहिंदा, आपे सब कुछ रहिंदा, बच्चा उत्थे सहज च रहिंदा, पर हर वेले सुत्ता रहिंदा। अच्छा, जदों जदों बच्चा जम के बाहर आया तां असी कहिंदे आ जितना चिर ज़्यादा सुत्ता रहे उतना इहदी सेहत वास्ते चंगा है, क्यों, जिन्ना उह सौंदा है उहदे उहदे अंग बनते ने, उतने वो ऑर्गनस पनपते ने, सैल्स मल्टीप्लाई होते ने, सोहनी सेहत वास्ते अच्छा है ये सुत्ता रवे। मैडिकल साइंस भी कहती है ये सुत्ता रवे, जिन्ना सुत्ता रहिंदा है ज्यों ही वो उठता है मम्मी समझ आंदे नूं भुख लगी है, मम्मी उन्हें दुध पिलांदे, दुध पी के फिर सो जाता है, मम्मी खुश मेरा बच्चा पेट भरिया है सुता है। पर जितना सौंदा है वो सारे ऑर्गनस बनते जाते हैं, बारले तन वाले, ठीक है। इस तो बाद ज्यों ज्यों वड्डा हुंदा जाता है, वो 24 घंटे के बदले 22, 22 के बदले 18, 18 के बदले 15, 15 के बदले 12, फिर असी अपनी जिंदगी विच रोज़ मैक्सीम 8-10 घंटे सौंदे हाँ। जदों असी 8-10 घंटे तक सौंदे हाँ तो वह साढ़े तन वास्ते चंगा है कि मेरा हार्ट मेरी बॉडी नू रिवाइव करेगा, रात मेरी ठीक बीतेगी तो मेरा दिन ठीक बीतेगा। लेकिन आस्ता आस्ता एक ऐसा टाइम आता है असी सोवो भावें ना सोवो, साढ़े अंग हुण होर नहीं बनने ने, 10 बालतन 20 रवण 30 का सुंदर कावे 40 पुर होए 85 पाक किसे सठी के बुढ़े पावे। हूँ नाओ नाओ पीरियड, अब इसके बाद ना तो तेरी हाइट बढ़नी है ना तेरा कुछ और हो सकता है, बस जो तू बनना सी वो बन गया, सब कुछ हो चुका हूँ, हूँ इस तो अगे नहीं होएगा। पर इस तो बाद भी जे मैं सुत्ता रहा शरीरक तौर पर, अंग तो बनने कोई नहीं, फिर मैं लिथार्जिक हाँ, फिर मैं सुस्त हाँ, फिर मैं वेलड़ा, फिर मैनू खा पी के हसना खाना पीना हसना सोना पसंद है, ए नैन निंद्रावले की निशानी है, आई ऑलवेज लाइक टू स्लीप है ना। जदों ऑलवेज लाइक टू स्लीप है, सस विचारी सवेरे 5 बजे चाहती है कि मैनू कोई, मैं उठ के बाथरूम तक नहीं जा पा रही कोई मैनू बाथरूम तक लै जाए, मैं उठ के किचन तक नहीं जा पा रही कोई मैनू चाह दे दे, पर नू सुती है क्योंकि असीं भी तो राती देर ना सुते सी, सुती है। नीयत अंदर सोना है, नीयत दे अंदर की है, भाई असी तो आराम 8-9 बजे उठना है,
नीयत यह जो है नीयत ये सानू इस तरीके कराती जाती है ना तो असी सुस्त हाँ तो असी पता है कि हो रहा शरीरक तल ते सुते रहते हैं अंगा नू कुछ फायदा नहीं होता डे बाई डे अपनी लाइफ वेस्ट करते जाते हैं। मन सोया माया बिस्माद अंग बने कोई नहीं सारे अंग डिस्टर्ब हो गए। इनू कहें पिछल रात ना जागियो है अंग तेरे बन कोई नहीं रहे सुत्ता तू रहना ते निंद्रावले नैणा नाल तू मर रहा पल पल तू मरिया होया है। सब किच जीवत को व्यवहार तू जींदा ही नहीं है इस करके तेरा व्यवहार ठीक नहीं है। आज असी इस नू गायकी इत्थे तक करके कल अगे टुरांगे। पिछल रात ना जागे ओए फरीदा पिछल रात ना जागे ओए जीवंद ना जागे ओए